स्टेशनों के प्लेटफार्मों और चलती ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल सेट पर हाथ साफ करने वाले 4 अभियुक्तों को राजकीय रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से चोरी के 33 सेट मोबाइल बरामद किया है जो विभिन्न कंपनियों के हैं, जिसकी कीमत लगभग 2,71,000 रुपये आकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 महिलाएँ भी शामिल हैं, जिसकी पहचान जिला संत विदास नगर के लाल बहादुर पुत्र स्वर्गीय संजू, नजमा पत्नी लाल बहादुर रूपेश पुत्र नसीद सबर तथा सकंती सबर पत्नी नसीद सबर के रूप में हुई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना पर चोरी के मोबाइल सेट की बरामदी के संबंध में जीआरपी सीओ श्री प्रकाश राय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त घुमंतू जाति के लोग हैं और प्लेटफॉर्म पर ही रहकर लोगों के मोबाइल सेट चोरी कर लेते हैं और इनको झारखंड में ले जाकर बेच दिया करते हैं, जिसने मंगलवार को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 33 मोबाइल सेट बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी के सीओ श्री प्रकाश राय ने बताया। मधुबनी में भी एक क्या चीजें हैं, हवेलियां बहुत बड़ी बड़ी, मर्द एक नहीं ले लेंगे 10 दिन में। नीचे कर रही है सामने प्रणाम 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 फोटो ले जाओ सबके साथ फोटो ले 18/2/19 को करीब 8:30 रात को प्लेटफार्म मरे के पश्चिमी छोर पे गश्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ भ्रमण कर रहे थे तो संदेह के आधार पर इनसे पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 33 अदद मोबाइल जो है एंड्रॉयड फ़ोन के प्राप्त हुए और ये सभी चोरी के, जिसमें से एक मोबाइल जो है बस्ती जनपद में बस्ती जीआरपी में मुकदमा चोरी का पहले से पंजीकृत है और शेष कई लोगों से बात हुई है तो बता रहे हैं कि हम मिसिंग लिखाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम लिखाए ही नहीं हैं और बकिया जो बचे हैं उनको सर्विलांस पर ले करके जानकारी की जाएगी कहाँ के मोबाइल चोरी किया है। ये करीब 2,71,000 रुपये आंका गया है अभी तक। ये भी घूम फिर के करते हैं, अब कुछ दिनों से यहाँ स्टेशन पर आए थे, ये झारखंड में मूल रूप से ले जाके बेचते हैं, जब 40-50-60-100 हो जाता है तब लेकर चले जाते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं वहीं बेच देते हैं और जो पाते हैं पैसा उससे जीवन यापन करते हैं, फिर कोई ठहर और नया बदल लेंगे, कोई एक जगह नहीं रहते, घुमक कर जाते हैं लोग। सब हाँ नहीं नहीं सब गोरखपुर से इन्होंने चुराया है अपने यहाँ के निवास के दौरान, अभी इनकी इनका टारगेट था कि 70-80 हो जाए तो जाएं, अब अभी तो यही बताए हैं कि हम ही लोग हैं, ये 2-4 के संख्या में घूमते रहते हैं स्टेशनों पर रोडवेज पर और ठौर बदलते रहते हैं, कोई जगह नहीं रहेंगे, कोई मकान है नहीं इनके, ऐसी जगह पर जो है ना रहेंगे जहाँ कोई ध्यान न दे सके। अभी प्लेटफार्म पे आके धर्मशाला के नीचे जो जमीन है उसमें पड़े थे 3-4 दिन से। हाँ इनका ये धंधा अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं।